झारखंड में कफन पर सियासत, सीएम हेमंत का आधा अधूरा वीडियो वायरल, सरकार ने चेताया वीडियो। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आधा अधूरा वीडियो वायरल है। कुछ समाचार पत्र एवं सोशल मीडिया में मुफ्त का कफन उपलब्ध कराने की योजना के संबंध में भ्रामक खबरों पर सरकार ने आपत्ति दर्ज कराई। इस संबंध में मुख्यमंत्री का आधा अधूरा वीडियो वायरल किया जा रहा है। हर मृत शरीर के लिए कफन एक सामान्य की वस्तु और यह हर मृतक का अधिकार है कि शरीर का अंतिम संस्कार सम्मान के साथ होना चाहिए। कोरोना महामारी के दौरान अनेक लोग अपने परिवार से हमेशा हमेशा के लिए बिछड़ जा रहे हैं तथा इन्हें अंतिम संस्कार के लिए कफन भी नसीब नहीं हो पाने की सूचनाएं प्राप्त हो रही थी। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान कपड़े की दुकानें के बंद होने के कारण मृत शरीर को कफन नसीब नहीं हो रही थी। चतरा में कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए कोई विशेष तैयारी नहीं। गर्भवती व धात्री महिलाओं को 4 माह से पोषण नहीं मिल रहा है। वैश्विक महामारी की दूसरी लहर का प्रभाव कम होता दिख रहा है। तीसरी लहर कभी भी आने की संभावना है। कोरोना की तीसरी लहर का प्रभाव बच्चों में ज़्यादा होने की आशंका है। कोरोना की संभावित तीसरी लहर व्हाइट व ब्लैक फंग्स सीधे तौर पर बच्चों को प्रभावित कर सकता है। जिले में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर को लेकर स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोई विशेष तैयारी नहीं की गई। जिले के आंगनबाड़ी केंद्रों में नामांकित बच्चों के अलावा गर्भवती व धात्री महिलाओं को 4 माह से पोषाहार नहीं मिल रहा है। जनवरी माह के बाद जिले में पोषाहार का वितरण नहीं हुआ है। जिले में कुपोषित बच्चे आंगनबाड़ी केंद्र से जुड़े हुए हैं। अधिकतर बच्चे सुदूरवर्ती व पिछड़े गाँव के हैं, जहाँ साफ सफाई व्यवस्था नहीं के बराबर है। वर्तमान में सदर अस्पताल में बने MTC में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर रह रहे हैं। इस तरह कुपोषण केंद्र बंद है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास का सीएम हेमंत पर हमला, बोली झारखंड में विद्वेष और बदले की राजनीति की शुरुआत। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने करीब 6 साल पुराने एक मामले में नई धाराएं जोड़ने को लेकर राज्य की हेमंत सोरेन सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए बुधवार को कहा कि प्रदेश में पहली बार विद्वेष और बदले की राजनीति की शुरुआत हो रही। रघुवर दास ने बुधवार को कहा कि सूचना मिली है कि झारखंड सरकार ने 6 साल पुराने राज्यसभा चुनाव 2016 मामले में नई धाराएं जोड़कर उन्हें शामिल करने का प्रयास करे। यदि ऐसा होता है तो इस निर्णय का स्वागत करता हूं। पिछले लगभग 4 साल से मामले की जांच चल रही है, लेकिन मामले में कुछ नहीं मिल पाया तो मामले को जीवित रखने के लिए सरकार के इशारे पर कुछ काबिल अधिकारियों ने इसमें नई धाराएं जोड़ने का प्रयास शुरू किया है। भाजपा नेता ने कहा कि झारखंड में पहली बार विद्वेष और बदले की राजनीति की शुरुआत हो रही है, लेकिन किसी को यह भूलना नहीं चाहिए कि यह कुछ भी स्वस्वता नहीं है। दरअसल यह 2024 की तैयारी है। श्री सोरेन चुनाव तक यह मामला खींचना चाहते, जो अधिकारी यह सोच रहे हैं कि अभी गंदगी फैला लेंगे और 2024 तक रिटायरमेंट के बाद आराम की ज़िंदगी बसर करेंगे, तो यह उनकी भूल है। सभी की जिम्मेदारी तय की जाएगी। झारखंड में कोरोना से मौतों का सही आंकड़ा आएगा सामने। सीएम हेमंत सोरेन ने किया बड़ा ऐलान। झारखंड में कोरोना से हुई मौतों का सही संख्या अब सामने आ सकेगी। इसे लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को बड़ी घोषणा की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि वह कोरोना से मौत के आंकड़ों का निष्पक्ष ऑडिट कराकर यह जानना चाहते हैं कि क्या सरकारी आंकड़े जमीनी हकीकत से अलग है। इससे सरकार को इस त्रासदी से प्रभावित हर परिवार की पहचान कर उन्हें सुरक्षित सभी सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम से जोड़कर जीवन सुरक्षित करने में मदद मिलेगी। साथ ही आंकड़े सरकार को अपनी स्वास्थ्य सेवा को सुदृढ़ करने, पारदर्शी शासन एवं बेहतर एवं समावेशी नीतियां बनाने में मदद करेगी। मुख्यमंत्री ने ट्वीट करते हुए आगे कहा कि हम अपने मृतकों को लावारिश मना ही बहाएंगे और न दफनाएंगे, बल्कि उन्हें उनके पूरे रीति रिवाज एवं धार्मिक मान्यताओं के अनुरूप सम्मान पूर्वक विदाई देंगे। इसके लिए हम हर दुखी परिवार को हर संभव सहायता देते हुए आए हैं और आगे भी देते, ताकि
कुछ लोग आपदा को अवसर में ना बदले। वैक्सीन की बर्बादी, झारखंड सरकार ने केंद्र सरकार के आंकड़े को गलत बताया। कोविड टीके की बर्बादी के आंकड़े को लेकर केंद्र और झारखंड सरकार आमने सामने है। झारखंड सरकार ने इसको लेकर केंद्र सरकार की ओर से जारी आंकड़ों को गलत ठहराया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को आंकड़े की जारी करते हुए कहा कि झारखंड में सबसे ज़्यादा 37.3% टीके की बर्बादी हो रही है। मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ में 30.2%, तमिलनाडु में 15.5%, जम्मू कश्मीर में 10.8%, मध्य प्रदेश में 10.7% टीके की बर्बादी हो रही है। बर्बादी की यह दर राष्ट्रीय औसत 6.3% से भी अधिक है। मंत्रालय के अनुसार राज्यों को कई बार वैक्सीन क्षय होने की दर 1% से कम रखने के लिए कहा जा रहा है। दूसरी तरफ झारखंड सरकार ने इस आंकड़े को गलत बताते हुए कहा कि राज्य सरकार के पास अब तक टीके की कुल खुराक की उपलब्धता के अनुसार टीके के अपव्यय अनुपात केवल 4.65% है। तकनीकी कठिनाइयों के कारण टीकाकरण आंकड़ा केंद्रीय कोविन सर्वर पर पूरी तरह से अपडेट नहीं किया जा सकता है। इसका अपडेशन प्रक्रिया में है। PLFI कमांडर मोदी ने फिर दिया चकमा। दस्ते के 4 उग्रवादी गिरफ्तार। चाईबासा पुलिस ने PLFI के एरिया कमांडर हरीश सांडी फुर्ती उर्फ मोदी दस्ते के 4 उग्रवादियों को गिरफ्तार कर बुधवार को जेल भेज दिया है। गिरफ्तार उग्रवादियों के पास पुलिस ने उग्रवादियों का पर्चा, मोबाइल, बाइक सहित अन्य सामान बरामद किए हैं। पोड़ाहाट SDPO नाथ हुसी मिनी ने यह जानकारी दी। गिरफ्तार उग्रवादियों में क्राई केला थाना के टेंडा फाइन गांव निवासी बेसरा बोदार उर्फ मुगरू बोदार, केदार बोदार और इंदा बोदार तथा सुनवा साई गांव निवासी राजेश माथुर शामिल है। जबकि हरीशी सांडी फुर्ती उर्फ मोदी एक बार फिर से पुलिस को चकमा देकर मौके से फरार हो गया। SDPO ने कहा कि चाईबासा पुलिस अधीक्षक को गुप्त सूत्रों की से सूचना मिली थी कि PLFI का एरिया कमांडर हरीशी सांडी फुर्ती उर्फ मोदी अपने दस्ते के साथ सराय के क्राई केला थाना क्षेत्र के सीसी बाग गांव के पास ईटा भट्टा मालिक से लेवी वसूली के लिए जमा हुआ था। सूचना मिलने के बाद SP द्वारा गठित टीम ने सीसी बाग के में छापेमारी की। रांची में यास का असर, नगर निगम और बिजली विभाग की खुली पोल। सड़की हुई लबालब, कई इलाकों में पेड़ गिरे, घंटों बिजली गुल। SDO ने सीमावर्ती इलाके का लिया जायजा। रांची में सुबह से ही चक्रवाती तूफान का असर दिख रहा है। सुबह जो बारिश धीरे थी, शाम होते होते मूसलाधार हो गई है। बेमौसम बारिश ने नगर निगम और बिजली विभाग की तैयारियों की पोल खोल कर रख दी है। रांची सड़कें जहां जल निगम होने लगी, वहीं शुरुआती बारिश के कारण ही रांची के कई इलाकों में सुबह से ही बिजली गायब है। इधर रांची DC के निर्देश पर बुंडू SDO समीरा S ने चक्रवर्ती तूफान आश के प्रभाव को देखते हुए पश्चिम बंगाल से सटे सीमावर्ती पंचायतों का भ्रमण किया।